उसके बारे में जो चर्चा करने हैं। अब तक किसी को कोई सवाल है? दो पॉइंट लिया मैंने। सबसे पहला पॉइंट था कि हमारी परिस्थिति आजकल बहुत बदल रही है, और दूसरा है कि अलग अलग हमने तीन उदाहरण देखे, कौन कौन, हनुमान, सुग्रीव और अजामिल, कैसे परिस्थिति के द्वारा मनस्थिति बदल गई और कोई उद्देश्य थोड़ा गुमराह हो गया, काफ़ी गुमराह हो गया, बिल्कुल गुमराह नहीं हुआ। तो एक सवाल है किसी का? यस, जैसे कि आपने बताया कि पूर्व जो कुछ आपने अनुभव किया, जो कुछ चीज़ें पहले से आपने देखी है, सुनी है, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर हमारा ध्याय तो ईशान हो गया है, तो वो जब वो निकल नहीं पाते, और वैसे ही थोड़ा बहुत उस फिल्मी सॉन्ग थोड़ा सा ही सुना तो पूरा याद आ जाता है। ऐसे क्या है कि अगर पिछला हमने कुछ सुना हुआ है और फिर थोड़ा सा पिछला कुछ जो भी छबिया इम्प्रेशंस हो गए हैं वो थोड़ा सा भी कुछ प्रलोभन आता है, थोड़ा सॉन्ग सुन लेते थोड़ी याद आ जाता है वो। ये क्या है कि हर एक व्यक्ति का मन अलग अलग है, और हमें क्या है, हमारे मन के साथ जीना है, हमारे मन के लिए नहीं जीना है, हमारे मन के खिलाफ नहीं जीना है। क्या है कि अगर हम हमेशा मन से युद्ध करते रहेंगे तो जमेगा नहीं वो हमको। वी कांट लिव फॉर द माइंड, वी कांट लिव अगेंस्ट द माइंड, वी हैव टू लिव विद द माइंड। हमें समझना, ये मेरा मन ऐसा है तो फिर इसको मैं तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों को जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, कुछ चीज़ों को काफ़ी समय लग जाएगा परिवर्तित होने के लिए, कुछ चीज़ें शायद परिवर्तित होगी भी नहीं। तो उसमें हमें देखना है कि अगर मेरा मन ऐसे है तो कैसे जी सकता हूँ। तो अगर फिल्मी सॉन्ग अभी कोई हमको याद आ जाते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तो उससे पहले फिल्मी सॉन्ग याद आ जाते हैं जो हमने देखे हैं, सुने हैं। तो अभी ये क्या है, ये हमारी मन की प्रवृत्ति है उसमें। तो उसको अभी हमें क्या करना है, वो अगर उसमें हमें देखना है क्या आकर्षण मेरा इसमें, क्या संगीत से आकर्षण है, या कि हर चीज़ का ऐसे नहीं है कि वो केवल भौतिक भोग जो है, उस भौतिक भोग अलग अलग प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है, सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। जबकि भौतिक ये के हम कहते हैं ये आध्यात्मिक है, भौतिक है, पर भौतिक में भी भेद होते हैं। तो अगर किसी को अभी मुझे पढ़ने की पहले से बहुत रुचि थी, तो अगर कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी होगा तो मैं एडवर्टाइजमेंट चित्र पहले नहीं देखता हूँ, मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नीचे क्या लिखा है वो देखता हूँ पहले। मेरे आँख वैसे होता है, बीटीजी का नया बीटीजी आता है, पूरा भर के पिक्चर होता है, वो पिक्चर में ध्यान में नहीं आता है, फिर नीचे का लिखा देखता हूँ मैं। तो अभी क्या है, मुझे पढ़ने की बहुत आदत है, तो अभी कई ऐसे अभी भक्त ग्रंथ लिखते हैं, दूसरे लोग ग्रंथ लिखते हैं, तो वो पढ़ने की मुझे काफ़ी इच्छा होती है। तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, जो ग्रंथ है अगर कोई वैज्ञानिक ने लिखे है जो भगवान में विश्वास करता है, तो फिर वो किताब पढ़ के मैं वैज्ञानिक प्रीचिंग में मदद कर सकते हैं। पर अगर वही ग्रंथ है किसी नास्तिक ने लिखा है तो वो लिखने से क्या होगा, शायद मेरे मन में संदेह और बढ़ जाएगा। तो अगर उस नास्तिक का खंडन भी मुझे करना है, अगर वो नास्तिक बहुत प्रचलित है और उसके बारे में लोग बोलते हैं, तो मैं उसका ग्रंथ पढ़ने से बेहतर क्या देखूंगा, किसी आस्तिक ने उसका खंडन किया है क्या, और फिर वो पढ़ूंगा। किसी भक्त ने अगर किया है तो अच्छा है, किसी भक्त ने नहीं किया है तो फिर दूसरे धर्म किसी वैज्ञानिक ने किया है क्या, आस्तिक वैज्ञानिक ने किया है क्या। तो क्या है कि अगर मुझे बौद्धिक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो मेरी ज़रूरत है, उसको मैं दबा नहीं सकता हूँ। पर वो इस तरह से पूरा करना है कि वो हमसे भक्ति में हमारे व्यत्यय ना आए। तो अगर वो म्यूज़िक सुन के, कोई फिल्मी गीत सुन के मोह कुछ हमको याद, स्मृति याद, तो उसमें क्या मेरी ज़रूरत है। एक हो सकता है कि मुझे संगीत की रुचि है, तो फिर हम देख सकते हैं कि भक्ति में कैसे हम संगीत को, उसी संगीत को हम उस संगीत की ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो एक भक्त सवाल पूछ रहे थे, आजकल वो बोलते हैं कि भक्त जो है हरे कृष्णा कीर्तन वो बॉलीवुड संगीत के ट्यून्स में करते हैं, तो क्या ये अच्छा है? तो मैं बोला कि देखो, वो जो ट्यून थे वो बॉलीवुड ने नहीं बनाए, वो ट्यून बॉलीवुड से भी पहले थे पर हमको शायद वो ट्यून जब बॉलीवुड में किसी गाने में यूज़ किया है तब हमको पता चला वो ट्यून।
तो हम वो कहते हैं ये बॉलीवुड गाने का ट्यून है वो, पर ऐसे नहीं है वो। वो क्या है, वो ट्यून पहले से था पर वो बॉलीवुड में यूज़ हुआ और फिर वो उससे काफ़ी फेमस हो गया। और फिर अगर हमको कुछ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर होता है उसमें, तो क्या होता है, वो ट्यून यहाँ पे है, बॉलीवुड गाना यहाँ पे, हरे कृष्ण मंत्र यहाँ पे है, तो हमने वो ट्यून को बॉलीवुड से मान लिया बॉलीवुड के साथ। तो अभी मुझे हरे कृष्ण कीर्तन आता है तो उसमें हम हरे कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे, वो बॉलीवुड के गाने का स्मरण कर रहे हैं। तो अभी क्या है, कुछ कुछ लोगों को शायद वो स्मरण नहीं आता होगा क्योंकि शायद उन्होंने बॉलीवुड का गाना सुना ही नहीं है या उसमें उनकी उतने उसकी याद नहीं आ रही है। तो क्या है कि शायद ओके, अगर आपको उस कीर्तन के ट्यून उस ट्यून में कीर्तन से अगर बॉलीवुड की याद आ रही है, ठीक है, तो आप उस कीर्तन में सहभागी होने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन। पर कई लोगों को वो जो ट्यून है वो ट्यून अच्छा लगेगा और उससे हरे कृष्ण मिलेगा, तो उसमें उनको हरे कृष्ण में अगर कोई बहुत ही ट्रेडिशनल ट्यून रखेंगे शायद वो ठीक है गा लेंगे, पर वो उनके मन में बार बार नहीं रहेगा और फिर उससे उसके भगवान की स्मृति नहीं हो पाएगी। तो क्या हर एक व्यक्ति को मेरे लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है वो देखना है। तो फिर अगर हमारे संगीत की ज़रूरत है तो संगीत की ज़रूरत हम कैसे पूरी कर सकते हैं, वो अगर हम देखते हैं और वो ज़रूरत भक्ति में हम पूरी कर लेते हैं तो फिर उससे उतना हम उत्तेजित नहीं होंगे। और यहाँ पर दूसरी एक चीज़ हम कर सकते हैं कि क्या है, हाँ, जब हम विस्तृत हो जाते हैं तो हमें तभी सिर्फ नियंत्रण नहीं करना है, सिर्फ इट्स नॉट अ मैटर जस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन बट ऑफ रीडायरेक्शन। ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा पर तभी मैं करूँगा क्या, तो सकारात्मक अगर कुछ करने के लिए रहेगा तभी हमारे पास, तो फिर आसान होता है। सकारात्मक रहेगा मतलब क्या, कि मान लीजिए कि हमने कुछ सुन लिया उससे मन विचित हो गया, तो फिर अगर तभी हम हमारे पास कुछ अच्छा कीर्तन है, कुछ भगवान का अच्छा दर्शन है, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमारे विचार और भावनाएं भगवान की ओर आसानी से जाती है, हम जप कर बोल सकते हैं, प्रार्थना कर बोल सकते हैं, सब अच्छा है, पर हमें देखना है क्या उससे मुझ पर प्रभाव हो रहा है सकारात्मक से, मैं शुद्ध हो रहा हूँ या नहीं उससे। तो हमें देखना है इसे कि मेरे लिए अनुकूल उद्दीपन क्या है। उद्दीपन ये शब्द रूप गोस्वामी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भक्ति साम शुद्ध ग्रंथ लिखा है, उसके बाद में उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ लिखा है। तो उज्ज्वल नीलमणि बताते हैं उद्दीपन मतलब क्या है, वो चीज़ें जो हम में भगवान की स्मृति बढ़ाते हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग उद्दीपन हो सकता है। कुछ लोग जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं सुबह दर्शन आरती में, तो उनका प्रधान उद्दीपन होता है गोविंद महादि पुरुषम जो गा रहे हैं वहाँ पे, तो उससे जो वातावरण माहौल होता है अच्छा प्रार्थनात्मक लगता है। कुछ लोगों के लिए भगवान का जो श्रृंगार है, भगवान का जो रूप है वो प्रधान होता है। कुछ लोगों के लिए वास्तव में उस समय जो भगवान को प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना प्रधान हो सकती है। तो हर एक के लिए हम सबको ढूंढना है कि मुझे भगवान में मन लगाने के लिए अनुकूल उद्दीपन क्या है, और वो उद्दीपन हमारे पास में रखना है। अगर हमको कोई श्लोक अच्छा लगता है तो श्लोक हम खुद उसका रिकॉर्डिंग रख सकते हैं या उसका प्रिंट रख सकते हैं, और फिर वो जो श्लोक है उसको तुरंत हम स्मरण कर सकते हैं। तो उस तरह से हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन हम आसानी से कहीं और ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि जब हम विस्तृत हो रहे हैं तो उसमें कुछ ज़रूरत है, वो ज़रूरत को हम भक्ति अनुकूल पद्धति से कैसे पूरी कर सकते हैं। अगर गाने से हम विस्तृत हो रहे तो वही संगीत की ज़रूरत है, गाने की ज़रूरत है, वो भक्ति में कैसे हम पूरी कर सकते हैं। और दूसरा कि जो मन विचित हो रहा है उसको ऐसे मत जाओ बोलने की जगह क्या है, कि कहाँ जाना है, कोई आसान मार्ग दे देते हैं तो फिर उससे हम मन को शांत करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर भी मुश्किल है, एकदम आसान नहीं है, पर इससे थोड़ा और आसान हो सकता है, मुश्किल थोड़ी कम हो सकती है वैसे। ठीक है, हमारे जीवन में जो हो रहा है वो दैव है या मानसिकता है,
बहुत मुश्किलें समझता हूँ। क्या है कि कभी कभी ये दोनों हो सकता है। क्या है, मन को समझने के लिए उसकी तुलना कभी कभी शरीर से कर सकते हैं कि अभी क्या है, अभी बहुत ठंडी है मान लीजिए, तभी कुछ लोग होते हैं उनके शरीर में उनको बहुत ठंडी लगती है, तो थोड़ा सा भी ठंड वातावरण हो जाए उनको एक स्वेटर चाहिए, मफलर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। कुछ लोग होते हैं बड़ी ठंडी होते हैं उसमें सिर्फ उत्तर निकल के उत्तरी पहन के निकल जाते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत तपस्वी है, ये व्यक्ति आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है, पर उस प्रधान क्या है, हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के अनुसार कार्य करना है। तो जिस तरह से कुछ कई व्यक्ति है जो उसका शरीर ऐसा है कि उसको ठंडी सहन नहीं होती, तो फिर कह सकते हैं वो कि अच्छा ठीक है, ये पूर्वकर्म है, दैव है, जिससे कि मेरा शरीर ऐसा है कि वो ठंडी को सहन नहीं कर पाता है। पर अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि मुझे यही शरीर है मेरे पास, तो ठीक है मैं थोड़े और गर्म कपड़े पहन लूँगा और फिर मैं अपनी जो सेवा है वो करूँगा। और अगर कोई ऐसी सेवा है जिसमें बहुत ठंडी में बाहर जाना पड़ता है, वो संभव नहीं है मेरे लिए, तो वो सेवा नहीं करूँगा, कुछ और सेवा कर सकता हूँ। तो क्या है, अभी हमारा शरीर यहाँ पे है, मन यहाँ पे है, आत्मा यहाँ पे है। तो शरीर, तो मन में जो भावनाएँ आती है, मन में जो विचार आते हैं, जो इच्छाएँ आती हैं, प्रधान रूप से भावनाएँ हम देख सकते हैं, तो वो कभी कभी एक तरह से हो सकती है कि वो मन का स्वभाव ही वैसे है। अलग अलग लोगों का मन अलग, जैसे अलग अलग लोगों का शरीर अलग होता है, वैसे अलग लोगों का मन भी अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अगर एक काम दिया तो कर लेंगे, उनको दस काम दे देंगे तो उनको टेंशन आ जाएगा। कुछ और कुछ मैं ऐसे भक्त को जानता हूँ, उनको जब दस काम होते हैं तो उनको लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ अभी। हाँ, उनको कुछ एक काम होगा तो कुछ जिंदगी में कुछ चुनौती लगती नहीं उनको। तो क्या हर एक व्यक्ति का मन अलग होता है। तो ऑफकोर्स वो दस, उनको दस काम साथ में कर सकते हैं, उनको बीस बोलेगा तो उनको भी स्ट्रेस आ जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि वो बहुत काम कर सकते हैं, अनंत रूप से कर सकते हैं, पर क्या है, हर एक व्यक्ति का मन जो होता है वो अलग होता है। तो अभी जो मन का, मन में जो भावनाएं आती है, हमें समझना है कि मन का स्वभाव अलग अलग है हर एक। तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि उनको, कुछ कुछ लोगों को सिक्योरिटी, सुरक्षितता की जरूरत ज़्यादा होती है। कुछ कुछ लोगों को एडवेंचर, नया नया करना, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो अभी क्या है कि हर एक व्यक्ति की अपनी ज़रूरत है, और हर एक व्यक्ति को जो सेवा करनी है इस तरह से सेवा करनी है कि उसका जो मन का स्वभाव है उसके अनुसार सेवा हो जाए। तो अभी कुछ लोगों को सुरक्षितता, ऑर्डर, नियमितता, ऐसी जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऐसी सेवा करनी चाहिए कि उस तरह वो चीज़ें जश्न ज़्यादा है। जैसे अभी पुजारी की सेवा है तो उसमें क्या है, उसमें भी डिसिप्लिन लगता है, अनुशासन लगता है, पर क्या है तो सब कुछ थोड़ा ऑर्डर में है। ठीक है, इस समय पे उठो आप, इस समय ये करो, इस समय ये करो, इस समय ये करो, इस समय ये करो, और वो अच्छा है। पर कोई अगर मैनेजर है, कोई ट्रैवलिंग प्रीचर है, तो फिर क्या है वो उतना ऑर्डर डिमांड नहीं कर सकता है। अभी कोई बोलता है कि भाई यहाँ से वहाँ पर जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़ूंगा या मैं कार ट्रेन से जाऊँगा, और ट्रेन दो घंटा लेट हो गई, तो अगर कोई बहुत ही नियमबद्ध रहने का प्रयास कर रहा है, तो जो अगर वो ऐसी सेवा कर रहा है जिसमें बहुत सी नई नई चीज़ें आती रहती, कोई बस पार्टी में जा रहे हैं तो उसमें क्या है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत रूटीन रख सकते हैं, पर क्या है बहुत कुछ नया होगा उसमें। तो जो कुछ कुछ लोग होते हैं उनकी ज़रूरत है, उनको अपने जीवन में कुछ नया नया चाहिए। और ऐसे नहीं है कि उनको, अगर उनको हम एक ऐसे वातावरण में डाल देंगे कि उसमें देखिए तुम सुबह उठो, ये पूजा करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उनको कुछ ही दिनों में घुटन हो जाएगी, कर ही नहीं पाएंगे वो। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी में भी अच्छा है, ब्रह्मचारी आश्रम है वहाँ पे, प्रचार करके कई पाश्चात्य ऑस्ट्रेलियन लोग लड़के ब्रह्मचारी बन गए। तो वहाँ पे क्या, पाश्चात्य देशों के मंदिरों में कई बार वो भारत से पुजारी लाते हैं, और भक्त जो होते हैं भारत से, वो पेड़ पुजारी होते हैं, पुजारी करते हैं कि सेवा करते हैं। और ये जो पाश्चात्य ब्रह्मचारी है वो युवक है, युवक है, उनको जोश है, तो वही बुक डिसीजन करने जाते हैं, बस पार्टी में जाते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ वीज़ा का नियम बदल दिया, और उन्होंने क्या फैसला किया कि आपकी, आपका जो धर्म है, आपका जो मंदिर है, आपका चर्च है, आपका
जो भी मॉस मस्जिद है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, और उसके अनुसार उन्होंने फैसला किया कि आपको कितने धार्मिक रिलीजियस वर्कर्स जरूरी है उसके। तो अभी क्या होता है, जो मंदिर है मस्जिद है उसमें डीटी वर्शिप होता ही नहीं है, तो वो बोले आपको 50 लोगों के लिए एक रिलीजियस वर्कर काफ़ी है, 100 लोग है तो आपको दो काफ़ी है, 500 लोग है तो आपको शायद 10 चाहिए। तो हमारा क्या, तो उन्होंने कुछ अपनी मात्रा बना दी और उनकी मात्रा से उन्होंने फैसला कर लिया कि हम हमारे मंदिर को कि रिलीजियस वर्कर आपका इतना बड़ा कांग्रेस, आपको दो रिलीजियस वर्कर चाहिए बस। अभी वहाँ पे उस मंदिर में 6 पेड़ पुजारी थे, 4-5-6 तो सबको उन्होंने वापस भेज दिया। तो क्या हो गया, सारे ब्रह्मचारी थे, कोई नहीं था, तो ब्रह्मचारियों को डीटी वर्शिप में लगा दिया। और वो एक दिन दो दिन एक हफ्ता दो हफ्ता करने लगे। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गया था तो ब्रह्मचारी, उनका ब्रह्मचारी लीडर, वो सब इतने, उनको घुटन लग रहा था कि अभी विग्रहों की सेवा अच्छी है पर वो हम सुबह शाम दिन भर ये नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कुछ इमरजेंसी मीटिंग करवाया और वो सब बोले कि हम बोले हम ब्रह्मचारी समय रह नहीं पाएंगे बोले। तो अभी तो क्या होता है, तो पाश्चात्य देश के लोग होते वो उनका उनमें कमिटमेंट थोड़ा कम होता है, वो एक चीज़ करेगा अच्छा लगा तो पूरा कर लेंगे और बुरा लगा तो पूरा छोड़ भी देंगे। तो फिर क्या हो गया, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बताया, फिर क्या दूसरे मंदिर से कुछ पुजारी लेके आ गए, कुछ गृहस्थ को ही बोला कि आप यहाँ पे फुल टाइम सेवा कर लो हम आपको पे कर लेंगे, और फिर वो ब्रह्मचारी को वो सेवा दे दिया, उनको बोला आप भूल झूल करो वापस। तो हम कह सकते हैं ब्रह्मचारी जो है शरणागत रहना चाहिए, जो भी सेवा बोले वो करो, पर ठीक है वो, पर क्या है हर एक व्यक्ति का अपने मन का स्वभाव होता है। तो इसीलिए हमें देखना है कि हम अगर मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ भावनाएं आ रहे हैं, कुछ इच्छाएं आ रही हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो केवल माया है, वो हमारे मन का स्वभाव ही हो सकते हैं। और ऐसे नहीं कि वो केवल दैव से आ रहा है, अभी क्या है दैव से आए परिस्थिति से आए जो भी है उसके साथ हमें उसका सामना करके आगे बढ़ना है। तो मन की परिस्थिति, मन में जो भावनाएं आती है वो तीन जगह से आ सकती है, वो परिस्थिति से आ सकती है, वो केवल मन की कल्पना से आ सकती है, या वो परिस्थिति और मन की कल्पना दोनों के साथ मिलकर आ सकती है। मतलब क्या है कि अगर हमको अभी हम कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं और अभी क्लास सुन रहे हैं और नींद आ रही है हमको, तो अभी नींद आ रही है तीन चीज़ें हो सकती है, एक है शरीर में हम बहुत थक गए हैं वास्तव में, और ऐसे नहीं है कि हम हमारे शरीर को असीमित मात्रा में खींच सकते हैं, कुछ समय के लिए खींच सकते हैं पर क्या है शरीर को ज़रूरत है आराम की, नींद की ज़रूरत है। तो जब आपको बहुत नींद लग रही है तो एक हो सकता है कि वो बहुत थके हुए हैं, दूसरा हो सकता है कि मन ही बोल रहा है कि ये सब बहुत बोरिंग है, 1000 बार सुना है कितने बार सुनूंगा मैं वापस। तो उसमें क्या है जब ऐसे जो, तो अभी ये कैसे पता कर सकते हैं, अगर तुरंत हम क्लास में हमको नींद आ रही है और फिर तभी अचानक कोई सा गुलाब जामुन लेके आता सबको बांटने के लिए, दो मुझे गुलाब जामुन कब मिलेगा मुझे, तुरंत नींद चली जाती है। तो तभी क्या है वो जो नींद है वो थकान से नहीं आ रही है, वो क्या है बोर्डम से आ रही है, तो वो मन को इसमें रुचि नहीं उसलिए आ रही है। तो अगर कि इतना थक गया बोले प्रसाद मैं थोड़ा सोता हूँ बाद में प्रसाद लूँगा, तो मतलब सही में थका हुआ है वो। तो क्या है कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मन के जो धारणाएं हैं, मन की कल्पनाएं हैं, उसके कारण ऐसे हो रहा है। अभी ऐसे ही नहीं कि उसको भी हम ठुकरा सकते हैं, पर ये दोनों अलग है। जब शरीर के मन में भावना आती है शरीर की जरूरत से आ सकती है, मन में भावना आती है कि वो मन की धारणाएं मन की कल्पना से जा सकती है, और कभी कभी दोनों साथ में होती है, हम थके हुए भी है और फिर उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है इतना। तो क्या है कि ऐसे तो क्यों मन में कोई भावना आ रही है वो समझना काफ़ी मुश्किल है कि तो हमें क्या करना है, ठीक है अभी ये आ गई है मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो उससे हम अगर थोड़ा थकान आ रही है तो हम शास्त्र पढ़ रहे क्लास में सुन रहे थकान आ रही है तो हम बोल सकते ठीक है मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, मैं शास्त्र तो मैं पढ़ के बोल पढ़ूंगा थोड़ा चढ़ के चलते हुए थोड़ा जोर से बोल के पढ़ सकता हूँ, पर उसके बाद में भी नींद आ रही है तो ठीक है थोड़ा सो लो फिर बाद में वो कार्य करो। तो हमें ये क्यों आ रहा है ये सोचने लगेंगे ना, तो कभी कभी उसका जवाब मिल सकता है पर कभी कभी हम उससे पूरा कोई जवाब मिलेगा ही नहीं उसका, ठीक है अभी ये आ गया है तो अभी मैं क्या करूँ। तो इसमें इंग्लिश में कहते हैं द व्हाई क्वेश्चन एंड द हाउ क्वेश्चन,
वाय मतलब ये विचार, ये ऐसा क्यों मेरे मन में आया है? तो कभी कभी हम वो वाय क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है, ठीक है मैंने तभी ये देखा था उसके अंदर आ गया, पर कभी कभी उसका जवाब मिलता ही नहीं है। ठीक है अभी आ गया तो वाय क्वेश्चन कभी कभी उसको छोड़ देना होता है, जवाब मिल गया अच्छा है, नहीं मिला तो हाँ ठीक है अभी आ गया है, क्यों आया मुझे पता नहीं है, पर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, तो उस पर जोर देना है। ठीक है और वो हाउ क्वेश्चन का जवाब कैसे, तो मैंने यहाँ पे बताया जब मन विचलित हो जाता है तो कैसे आगे बढ़ना है, तो हम देखना है उसको। इस प्रॉब्लम तीनों का उद्देश्य अच्छा ही था, पर फिर अजामिल पूरी तरह से फेल क्यों हो गए? क्यों क्या हो गया कि वो जो उन्होंने देखा उस पर चिंतन करने लगे, हमारे आंखों के सामने क्या आएगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्या आएगा हम पता नहीं कर सकते, थोड़ा है पर इतना नहीं है, हमारे मन में भी क्या आएगा उस पर भी हमारा इतना नियंत्रण नहीं है, पर फिर पूरा नहीं है, पर जो मन में आएगा उस को हम ध्यान देंगे कि नहीं उस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान कर दिया है और हमें काफी गुस्सा आ गया अभी, पर उस समय हमको जानकारी मिलती है कि मान लीजिए कोई बहुत जरूरी सेवा आ गई है, आपको भागवतम क्लास देना बोला 5 मिनट में तो भागवत हम ठीक है, तो गुस्सा आ गया, इसको बाद में देख लूंगा मैं और अभी मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या है, हमारे पास शक्ति है कि मन में जो विचार आता है उस पर ध्यान दे या ना दे। तो अगर ध्यान हम देते हैं तो विचार बढ़ता है, ध्यान अगर नहीं देते हैं तो उतना ही रहता है। तो इसलिए क्या है कि हमें अगर हम ध्यान नहीं दें तो फिर हम बच सकते हैं। तो अजामिल ने क्या किया, ध्यान देते रहो उसको, विचार करते रहो, ध्यायतो करते रहो उस पर, तो उसके कारण क्या है कि वो पद भ्रष्ट हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करते समय मान लीजिए कोई मूवी थिएटर आ गया, तो अभी और मूवी थिएटर में कोई बड़ा आकर्षक मूवी चल रहा है, मान लीजिए हमारे लिए कोई हमारा प्रिय कोई एक्टर या कोई था वो, तो उसका मूवी चल रहा है, तो अभी हम अगर हमारा हम किसी सेवा के लिए आ रहे हैं उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो हम वो वहाँ पे मूवी थिएटर को तो उद्ध्वस्त नहीं कर सकते, हम वहाँ पे जो होर्डिंग है उसको भी निकाल नहीं सकते, और मान लीजिए हम ड्राइविंग करते हैं आँखें भी बंद करके नहीं चल सकते, तो हम वहाँ पे जो है वो दिख तो जाएगा हमको अभी, पर एक है कि वो दिखना, पर दूसरा है कि गाड़ी वहीं पर रुक देना और वहीं पर देखते रहना फिर बाद में क्या होगा, फिर हम तो हम वो देखते रहेंगे फिर हम मूवी के अंदर चले जाएंगे और फिर मूवी देखने लग जाएंगे, तो जो शारीरिक रूप से ये करेंगे तो हम तुरंत समझ में आ जाएगा, पर मानसिक रूप से भी वैसे हो सकता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि मन में हमारा मन जो है वो अलग अलग होर्डिंग मन में डालता है, ये देखो, पर मन में जो विचार आता है वो मान लीजिए हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि ये एक होर्डिंग मन में आ गया है, पर अभी वो होर्डिंग की ओर में कितने वो जो होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जो है बिलबोर्ड उसको जो भी कहते हैं हम जो आ गया है मन में, जैसे बाहर आ सकता है वैसे मन में भी आ सकता है, तो जब आ जाता है तो उस पर कितना ध्यान देना है वो मुझ पर निर्भर है, वो मन में आ जाएगा वो उसे नियंत्रण नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, अजामिल ने उस पर इतना ध्यान दे दिया कि फिर पूरा पद भ्रष्ट हो गया, तो वो देखना दुर्भाग्य था पर उस पर ध्यान देना वो दुर्बुद्धि थी, और वो दुर्भाग्य कारण पतन नहीं हुआ, वो दुर्बुद्धि के कारण पतन हो गया। जैसे
ज्यादा करके बॉडी का कॉन्शियस ज्यादा होता है, तो ठीक है मॉर्निंग प्रोग्राम है, रीडिंग है, टीचिंग प्रोग्राम है, सब कुछ है, कैसे हम अपने आप को एलिवेट करें कि कम आउट ऑफ द बॉडी प्लेटफॉर्म, समझे आप अंडरस्टैंड कि मैं उस स्तर पे आने का प्रयास कैसे करूँ, कैसे आ सकता हूँ। तो जैसे एज बढ़ता है तो शारीरिक चेतना और बढ़ जाती है, तो फिर कैसे हम उससे परे आ सकते हैं? देखिए, ये शारीरिक चेतना ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है इसके लिए। टू बी कॉन्शियस ऑफ द बॉडी इज नॉट द सेम एज बीइंग इन बॉडीली कॉन्शियसनेस। कि शरीर के बारे में सचेत होना यह शारीरिक चेतना नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैं पहले उदाहरण देता, किसी को ठंडी से बहुत परेशानी हो जाती है, और अगर वो सचेत रहता है तो उससे अगर ठंडी में बाहर जाना पड़ेगा तो फिर वो अच्छे कपड़े पहन के जाएगा, स्वेटर वगैरह पहन जाएगा, तो उससे परेशानी नहीं होगी उसको, तो वो शारीरिक चेतना नहीं है। तो शरीर के बारे में सचेत होना ये वास्तव में ज़रूरी है हमें, जिससे कि हम, क्योंकि हमारा शरीर जो है यही हमारा औजार है, टूल है, जिससे कि हम सेवा कर सकते हैं। और कैसे है कि कम से कम इस जीवन के लिए हमारे को, हमको कोई दूसरा टूल मिलने वाला नहीं है। जैसे ऐसे एक हम कहते हैं कि आत्मा और शरीर में भेद है, जैसे आत्मा ड्राइवर है, शरीर गाड़ी है, वो सही है, पर जो गाड़ी है ये इस जीवन के तो हम बदल नहीं सकते। तो इसी गाड़ी से काम चलाना है। तो हिंदी में क्या कहते हैं, खटारा गाड़ी होती है। तो अगर वही गाड़ी है तो फिर उसका जो भी जरूरत है देखभाल करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और वो शरीर का देखभाल करना ये शारीरिक चेतना नहीं है, वो शरीर के बारे में सचेत रहना है। तो इसलिए मैं बताने कि हमें शरीर के लिए कार्य करना नहीं है, पर शरीर के खिलाफ भी कार्य नहीं करना है, शरीर के साथ कार्य करना है। तो शरीर के साथ कार्य करना है मतलब, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 4-5-6 घंटे से उनका काम हो जाता है नींद के साथ, किसी को 7 घंटा नींद चाहिए, किसी को 8 घंटा नींद चाहिए, अगर वो ज़रूरी है तो कभी कितना घंटा हम सो रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कि हम जितने जिस समय जागरूक है उस समय हमारी चेतना क्या है, हम किस चेतना से सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और शरीर हमारा सहयोग करे, पर क्या है कि हमें समझना है कि शरीर की भी मर्यादाएं हैं। प्रभुपाद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर, वो कहते हैं कि अगर आप आपकी सेहत का देखभाल नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, तो भविष्य में आप उत्साही भी होगे तो भी आप सेवा नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि हमें देखना है कि मेरे शरीर की ज़रूरत क्या है, और वो ज़रूरतों को पूरा करना, भले ही उसके हमारे शरीर की ज़रूरत दूसरों के से ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी वो हम पूरा करके, हम जितनी हमारी मर्यादा है शरीर के कारण उसमें हम सेवा कर सकते हैं। और कब हम शरीर के साथ काम करते हुए शरीर के लिए काम करने लग गए हैं, वह जो है वह भेद जो है कैसे समझ सकते हैं हम, वो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हम शरीर के साथ काम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमें शरीर के बारे में ज़्यादा विचार सेवा के समय नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर हमको 7 घंटा नींद ज़रूरत पड़ती है, तो 7 घंटा अगर नींद ले ली है तो फिर बाद में हम जो भी सेवा कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम पठन कर रहे हैं, तभी बार बार नींद परेशान नहीं करेगी, हम ध्यानपूर्वक लगा सकते। अभी कभी कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति को पढ़ने में रुचि है ही नहीं, तो 7 घंटे सोए या 14 घंटे सोए फिर भी उसको पढ़ने लग गए तो नींद आने लगती है। तो फिर ऐसा है तो हमें समझना चाहिए कि ठीक है, ये जो पढ़ना है ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है, तो फिर शायद हम 2-3 भक्तों के हाथ बैठ के पढ़ सकते हैं। एक भक्त में देखते हैं कि क्या करते हैं हमेशा, वो अलग थोड़ी जगह दूर जाता है, जोर से पढ़ता है, बहुत ज़ोर से नहीं, पर मन में ही नहीं पढ़ना है, थोड़ा ज़ोर से पढ़ता है, थोड़ा धीरे पढ़ना होता है, पर उससे बोलते हैं कि मैं ध्यान ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो फिर वैसे कर सकते हैं। तो कैसे है कि नात्य अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। भगवद्गीता के 6th अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत ज़्यादा सोता है, जो बहुत कम सोता है, वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है।
तो अभी बहुत ज़्यादा और बहुत कम ये कैसे समझ सकते हैं हम कि जब अभी हम एकादशी में उपवास कर रहे हैं मान लीजिए, तो अभी कब तक हम उपवास कर सकते हैं। मैं एक बार IIT खड़गपुर में था, तभी किसी भक्त ने मैं वहाँ पे गया था निर्जल एकादशी के समय पांडव, और उसके पहले किसी भक्त आए थे वहाँ पे प्रचारक, और उन्हें ऐसे प्रवचन दिया कि सबको करना चाहिए उपवास। तो फिर वो उपवास सब हमने तभी महाभारत की कथा 6 घंटा कथा हुई, बहुत अच्छा हुआ। पर तभी वो खड़गपुर में बहुत धूप बहुत ज़्यादा थी, तो फिर वो एक भक्त, और वहाँ पे क्या उस दिन इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी तो फैन भी नहीं था। तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में एक भक्त आए और वो बोले, वो पूरा उनका आँखें लाल हो गया था। बोला क्या हो गया? वो बोले मैं रात भर सो नहीं पाया, तो मुझे इतना पसीना आ रहा था, तो रात में मैंने 20 बार स्नान किया। पसीना आ रहा था, गर्मी हो रही थी, तो ठीक है मुंह से पानी दिया गया तो शरीर में तो पानी आने दो। तो फिर मैं उनको बोला तुम्हें एक बार मुझे उठा लेते, मुझसे पूछ लेते थे, मतलब थोड़ा पानी पी के तुम सो जाओ आराम से। अभी इतना उपवास करने की क्या जरूरत है? वो क्या है, हम उपवास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शरीर की चेतना के परे चले जाए। पर उपवास करते करते आप इतनी शरीर की चिंता में आप सो भी नहीं पाए और इतना बार नहाते रहे हो, तो फिर क्या फायदा है उसका? तो ठीक है, अभी क्या है, कितना हम उपवास कर सकते हैं कि वी शुड फास्ट टिल द पॉइंट फूड डजेंट बिकम अ कॉम्पिटिटर टू कृष्णा फॉर आवर कॉन्शियसनेस। कि जो अन्न है वो हमारा कृष्ण चेतना के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए। अगर हम बहुत खाने में आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, एक जैसे अल्कोहलिक्स होते हैं जो शराबी होते हैं, तो ऐसे अमेरिका में एक संस्था है फूडोहोलिक्स, जो शरीर जो खाने से इतने आसक्त है वो खाना रोक ही नहीं सकते। तो अभी क्या है, अगर हम खाने से बहुत आसक्त है तो हम खाते हम हर समय हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, खाना 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 सोच रहे, तो वो जो आसक्ति है बहुत ज़्यादा आसक्ति है। पर मान लीजिए अगर हम इतना उपवास कर रहे हैं कि शरीर बहुत परेशान है, तो खाना 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 हरे कृष्ण, खाना 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 हरे कृष्ण, हरे प्रसाद 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 कृष्ण कृष्ण प्रसाद प्रसाद प्रसाद, तो हम जीवा से कुछ बोल रहे हैं, मन कुछ चीख रहा है। तो अभी जब ऐसे दोनों परिस्थिति क्या है, एक है कि इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि मन उससे बहुत आसक्त हो जाता है, और दूसरा है कि इतना कम खाते हैं कि मन उतावला हो जाता है उससे, मन ही नहीं उतावला क्योंकि शरीर भी उतावला हो रहा है। तो क्या है कि वो जो बैलेंस, मतलब क्या है कि हाँ हम जब इतना खा लेते हैं, उचित खा लेते हैं, तो जो है खाना है वो कृष्ण के प्रति, कृष्ण का प्रतिस्पर्धी नहीं बनता हमारे चेतना के लिए। तो उसी तरह से जब हम शरीर के लिए कार्य करने लगते हैं तो हम हमेशा शरीर के बारे में विचार करते रहते हैं, पर जब हम शरीर के साथ कार्य करते हैं तो शरीर की ज़रूरतें हमको समझ जाती है और ज़रूरतों का हम ध्यान देते हैं, और फिर उसके बाद में हम शरीर के बारे में इतना विचार नहीं करते। थैंक यू। तो कोई आखिरी सवाल है किसी का? एक्चुअली मैं आखिरी पॉइंट जो बोलने वाला था वो सवाल जवाब में आ गया था। आखिरी पॉइंट बोला था कि कैसे है कि हमारी परिस्थिति है, हमारी मनस्थिति है, हमारा उद्देश्य है। तो हम आजकल के समाज में हमारी परिस्थिति बदल गई है, हमारा मनस्थिति पे अलग अलग प्रभाव हो सकता है परिस्थिति के कारण, तो हमारा उद्देश्य कैसे पूरा करना है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। मतलब क्या है कि जैसे मैं बताया कि हमारा खुद का उद्दीपन क्या है वो हमें ढूंढ सकते हैं। तो उसी तरह से एक तरह से है कि जब हम ब्रह्मचारी जीवन में आते हैं, पहले बताया जो भी अथॉरिटी बोलेगा वो आदेश पालन करो, और वो ज़रूरी है पहले के कुछ सालों में प्रशिक्षण के रूप में डिसिप्लिन सीखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सर्विस एटीट्यूड जो है वो प्राप्त वो अनुशीलन करें हम। पर उसके बाद में अगर हमें शाश्वत रूप से स्थायी रूप से अगर भगवान की सेवा करनी है तो हमें हमारे शरीर और मन के साथ सेवा करनी है। तो इसलिए हमें खुद को देखना है कि कौन सी सेवा में मेरा मन अच्छी तरह से भगवान में लग जाता है, कौन सी सेवा मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो भगवान जो कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म को हम व्यावहारिक रूप से समझ सकते हैं कि इनर कंफर्ट
एंड आउटर कॉम्पिटेंस. गुण मतलब क्या, कि जो अंदर से करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है और बाहर से वो करते समय मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ. अगर कर्म मतलब करने में मैं कॉम्पिटेंस है, अच्छी तरह से कर सकता हूँ मैं, और गुण मतलब अंदर से करते समय मुझे अच्छा लगता है. तो हमें देखना है कि कौन सी सेवा मैं अंदर से करते समय मुझे अच्छा लगता है और अच्छी मैं कर सकता हूँ, और वैसी सेवा धीरे धीरे अगर हमारी वो प्रधान सेवा बन जाएगी तो हम एक स्थायी रूप से स्थिरता के साथ वो सेवा कर सकते हैं. अगर हमारे कई ऐसी सेवा हो सकती है जो हमें इतनी अच्छी लगती है, हम इतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं, वो भी अगर ज़रूरत है आश्रम में मंदिर में तो हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमको, वो शरणागति है हमारी. पर शरणागति के साथ साथ हमारी भी, हमको भी भगवान ने बुद्धि दी है और हमारी अथॉरिटी भी है, वो भी क्या चाहते हैं, और एक तरह से चाहते हैं कि जो सेवा ज़रूरी है पूरा करें, पर वो भी चाहते हैं कि हम स्थिरता से सेवा करते रहें. तो इसीलिए हमें खुद, हम जो भी सेवा दी जाए वो करनी चाहिए हमको, पर वो करते समय हमें खुद का एक आत्मनिरीक्षण करना है कि कौन सी सेवा करते समय मुझे अच्छा लगता है, कौन सी सेवा मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ. और इस तरह से हम खुद को समझ लेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम वो सेवा और कर सकते हैं, और वो सेवा करते समय हमको भी संतुष्टि मिलेगी और हम अच्छी तरह से योगदान भी कर पाएंगे. जब कम्फर्ट और कॉम्पिटेंस होता है तो क्या होता है, हमको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है और बाहर से कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है. तो ये जिम्मेदारी जो है हमें खुद लेनी है कि हमें सिर्फ, अरे हम सबको, अगर मान लीजिए उदाहरण के साथ मैं अंत करूँगा कि मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो कंपनी में काम करते समय एक तो ज़रूरी है कि हम जो भी बॉस बोले वो करेंगे, पर साथ साथ अगर हमको कंपनी में प्रगति करनी है तो हम खुद देखेंगे, ठीक है अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो फिर मुझे ये भी ये सीखना चाहिए, अगर मैं ये अच्छी तरह से कर सकता हूँ मैं, तो हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं कंपनी में कि मैं मेरे करियर में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ. तो वो एक तरह से भौतिक भाव हो सकता है, पर हमें सिर्फ एक तरह से करियर में बढ़ना नहीं है कि मुझे बड़ा पद चाहिए, पर मुझे क्या, हमें क्या देखना है, वही जो वो जो इनिशिएटिव लेते हैं हम, जो जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है मैं अभी ये सेवा कर रहा हूँ, मुझे बताया नहीं करूँगा, पर मैं अभी इस संस्था में, इस आश्रम में कौन सी सेवा मैं अच्छी कर सकता हूँ, क्या मैं ये भी सीख सकता हूँ, क्या मैं ये भी सीख सकता हूँ. इस तरह से जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसे नहीं है कि हम आदेश का, तुमने भी बोला है पर मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसे नहीं. हम जैसे ऑफिस में काम कर रहे होंगे, बॉस ने एक काम बोला है दूसरा काम हम करेंगे तो चलेगा नहीं, बॉस ने बोला वो करते हैं, पर उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कैसे मैं आगे प्रगति, कैसे मैं मेरा करियर आगे बढ़ा सकता हूँ. तो उसी तरह से हमें ये देखना है कि मैं गुरु और कृष्ण के हाथ में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता हूँ. तो एक है कि जो मुझे बताया मैं करूँगा, पर अगर मैं और कुछ स्किल्स सीख सकता हूँ, अगर मुझ में कुछ प्रतिभाएं हैं पहले से, मैं कुछ योगदान और अच्छा कर सकता हूँ, तो क्या है, मैं जो ये भगवान का आंदोलन है उसमें और योगदान कर सकता हूँ. तो इसीलिए इस तरह से हम भी ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा संतुष्ट कहाँ हो सकता हूँ, सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ कर सकता हूँ. तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम उस दिशा में जाएंगे जहाँ पे हम स्थिरता से सेवा कर सकते हैं, और अगर वो हमें मिल जाएगा तो फिर क्या होता है, हम कुछ सेवा ऐसी होती है जो हमको इतनी अच्छी लगती नहीं है तो हम करेंगे पर हमको बार बार बोलना पड़ता है ये किया क्या तुमने, किया क्या तुमने, किया क्या तुमने. पर कुछ सेवा ऐसी होती है हमको इतनी अच्छी लगती है बिना बोले हम खुद करते हैं क्योंकि हमको अच्छी लगती है. और अगर ऐसा सेवा हमको मिल जाती है और वो सेवा ही है, अच्छी तरह से योगदान भी हो रहा है, तो ऐसी सेवा अगर हमको मिल गई तो बहुत बड़ा भाग्य है. क्यों, क्या है कि हमको किसी को, हम किसी पे निर्भर नहीं होंगे मुझे पुश करने के लिए, ये करो ये करो ये करो, फिर क्या है वो सेवा हमारा भगवान से स्थायी संबंध बन जाएगा, और स्थायी संबंध का एक्चुअली न्यू बन जाएगा, वो फाउंडेशन बन जाएगा, और फिर उसके द्वारा हम एक स्टडी स्थिरता से भगवान की सेवा में लग के जीवन भर प्रगति कर सकते हैं. तो सारांश में मैं आज चर्चा की किस तरह से हमें हमारे भक्ति में जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हमारे भक्ति के उद्देश्य में हम बरकरार रह सकते हैं.
पहले बताया कि कैसे परिस्थिति आजकल बहुत बदल रही है, पारंपरिक परिस्थिति में जैसे ब्रह्मचारी साधु थे उसके बहुत विपरीत है, और परिस्थिति से मनस्थिति पर प्रभाव कैसे हो सकता है, इसके हम तीन उदाहरण देखें, सुग्रीव, हनुमान और अजामिल। तो अभी इन तीनों में फ़र्क यह था कि उद्देश्य बहुत सुदृढ़ था हनुमान जी का, सुग्रीव का था पर उतना नहीं था, और अजामिल का बहुत कमज़ोर था। तो हमारा उद्देश्य सुदृढ़ रखना ये हमारे हाथ में, परिस्थिति और मनस्थिति शायद हमारे हाथ में उतनी नहीं है। और फिर उद्देश्य को सुदृढ़ रखने के लिए क्या करना है, हमें हमारे मन को और शरीर को समझना है, और जो हमारी कमज़ोरियाँ है, जो हमारे जो मर्यादा है, उनके अनुसार उनमें कार्य करना है। शरीर के और मन के खिलाफ कार्य नहीं करना है, शरीर मन के लिए कार्य नहीं करना है, शरीर मन के साथ कार्य करना है। और इस तरह से करने के लिए हमें खुद को जिम्मेदारी लेनी है कि मैं मेरा मन कैसे भगवान में लगा सकता हूँ, मेरे उद्दीपन क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मैं जैसे हमारे शरीर की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे तो फिर जो शरीर की ज़रूरत जो है वो भगवान का प्रतिस्पर्धी नहीं बनाएगी हमारे मन की चेतना के लिए, पर हम हमारी चेतना के लिए। तो उसी तरह से हम शरीर की ज़रूरत को समझ सकते हैं, मन के स्वभाव को समझ सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है और जो हम अच्छा कर सकते हैं, वैसी सेवा में अगर ऐसे सेवा के हमें खोज कर लीजिए आत्मनिरीक्षण करके, और ऐसी सेवा जब हमको मिल जाती है तो फिर हम स्थायी रूप से स्थिरता से सेवा करके प्रगति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस प्रभु। ओके, थोड़ा और इसमें क्लियरिफिकेशन, इनर कंफर्ट ठीक है लेकिन आउटर कॉन्फिडेंस क्या है? कि अभी आउटर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि अगर हम कोई सेवा अच्छे से कर सकते, मान लीजिए कोई कोई संगीत कोई करता हो जाता है, तो कुछ बच्चे होते हैं पहली बार मंदिर में आ जाते हैं माता पिता के साथ, करता उठा के बजाने लग जाते, अच्छे से बजाते हैं। मैं YouTube में एक वीडियो देखा कि एक लड़का है, बालक डायपर्स में है अभी, और वो वायलिन बजा रहा है। अभी वो ऐसे वैज्ञानिकों के लिए बहुत समस्या है। हम आध्यात्मिक समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में उसने कुछ संगीत सीखा है, और अभी वो उसको इंग्लिश में प्रोडिजी कहते हैं, बचपन से ही बहुत टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है कुछ लोगों में, पर वैज्ञानिक दृष्टि से नास्तिक दृष्टि से भी बहुत समस्या है उनके लिए। कैसे ये सीखा ये? तो फिर परंतु तो क्या है, कुछ कुछ लोगों को वो अच्छा होते कुछ कार्य करने में। तो अगर हमको कुछ अच्छा भी लगता है और हम उससे सक्षम भी है, अच्छा कर सकते, कुछ लोग मैनेजमेंट करना होता है तो हाँ तुम ये करो मैं ये करता हूँ, बराबर कर लेते। कुछ लोग मैनेजमेंट करते हैं तो क्या होता है, वो ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि बाद में उनको मैनेज करने के लिए कोई लग जाता है। तो अभी ये ऐसे नहीं कि वो भक्त बुरे हैं, पर वो कि उसमें वो सक्षमता नहीं है वो। तो क्या है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। कोई एक चीज़ है कि हम खुद देख सकते हैं कि क्या है कि कोई हम कुछ कार्य करते हैं तो कुछ भक्त हमारे की सराहना करते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, ये समझ सकते हैं कि तो वैसे हमारे अहंकार के लिए नहीं, पर हम एक उत्साह प्रोत्साहन के लिए हम देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है मैं सेवा अच्छे से कर सकता हूँ। और ऑब्जेक्टिवली हम देख सकते हैं कि क्या है कि कोई अगर कोई प्रवचन देना चाहता है तो फिर कुछ लोग हैं अच्छे से याद कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं, कुछ लोगों को उतना जमता नहीं है वो। ये कोई आध्यात्मिक कमी नहीं है, पर ये एक व्यवहारिक रूप से हमारे शरीर की एक मर्यादा है। तो हम किस चीज़ में अच्छा है वो हम खुद समझ सकते हैं इस तरह से, फिर अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर ज़रूर हमें वो करना चाहिए। व्यक्ति को अगर अपनी सेवा में स्थिर रहना तो उसके जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, लेकिन एक संस्था की जरूरत होती है। एक संस्था की जरूरत है और इस व्यक्ति की जरूरत है। अगर वो व्यक्ति खुद अपनी जरूरत करके करने के लिए वो खुद जा रहा है आगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मुझे करना है, वो जा रहा है आगे, और वो संस्था के लिए ज़्यादा मतलब योगदान नहीं दे रहा है, संस्था को तभी उस स्थिति में वो जरूरत है। मेरा ये है कि हम बोलते हैं कि कृपा हमें कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हमें चाहिए कृपा, तो कृपा हमें संस्था यानी गुरु का जो मिशन है। तो अगर मैं मुझे मेरी स्थिरता चाहिए, मुझे ये करना है, फिर अगर सिर्फ मेरा ही मैं कर रहा हूँ और मैं संस्था के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या कोई सिर्फ संस्था के, तो कृपा कहाँ से मिलती है जो ठीक है। अभी
अगर हम जो हमको अच्छा लगता है वो करते हैं और जो संस्था की ज़रूरत है, जो गुरु का इच्छा या आदेश है उसकी परवाह नहीं करते, तो हमको कृपा कहाँ से मिलेगी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अभी क्या है कि भक्ति में प्रगति के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वो हमारे नियंत्रण में है, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है। अभी कृपा कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, ये हमको पता नहीं है। ज़रूर हम तो कृपा चाहते हैं, पर जब तक कृपा नहीं आ रही है तब तक भी हमें भक्ति करनी है, और वो करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए जिससे हम सस्टेन कर सकें। अभी मान लीजिए कभी कभी हम दर्शन करने जाते हैं भगवान का, और वो दर्शन इतना अच्छा लगता है, हमको भक्ति में भाव आने लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तभी हम कह सकते हैं ऐसे जो प्रसंग है हमको कुछ भगवान की कृपा मिल रही है, उससे हम कुछ दिव्य अनुभव हो रहा है। यह अच्छा, ये एक भेंट है भगवान की, पर उसके साथ साथ अभी उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमें भगवान का दर्शन करना है, तो उसके तभी हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ वही दर्शन कर रहा हूँ मैं, तो फिर शायद हमें ये देखना है कि मैं कुछ भगवान के लिए श्लोक याद करूँगा और उनको प्रार्थना अर्पण करूँगा, या मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ प्रार्थना करूँगा। तो जब तक वो ऐसे विशेष अनुभव नहीं आ रहे हैं तब तक भी हमें आगे बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी है, वह जो फ्यूल है, जो ज़रूरत है, वो हमें खुद कहीं से कहीं से प्राप्त करनी है, और वह भी हमको जो बुद्धि मिलती है, ठीक है ये मुझे अच्छा लगता है, ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो समझने के लिए बुद्धि लगती है, वो भी शायद भगवान की कृपा ही हो सकती है। तो अभी यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक है कि बिल्कुल मनमानी करना, जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करूँगा। दूसरा है कि पूर्ण शरणागत हो जाना, जो गुरु बोलते हैं वही मैं करूँगा। और तीसरा है कि हमको जो अच्छा लगता है, हम जो अच्छा कर सकते हैं वह समझते हैं, हमारे गुरु का उद्देश्य क्या है वो समझते हैं, और फिर इन दोनों को समन्वय करके कुछ कार्य करते हैं। अभी मनमानी शब्द नकारात्मक है, पर उसमें क्या है कि हमको कृपा की ज़रूरत है ज़रूर, पर क्या है कि हमारे मन और हमारे शरीर के साथ हमको रहना है। अगर किसी चीज़ में हमको बहुत परेशानी हो रही है, वो हो ही नहीं रहा है हमसे, तो फिर हमें हमारी ज़रूरत को पूरा करना है। कोई कहता है कि मैं निर्जल एकादशी करूँगा तो फिर मुझे कृपा मिलेगी, पर ठीक है तुम निर्जल एकादशी कर लेते हो और उसके बाद में एक महीने के लिए बीमार हो जाते हो, तो फिर ठीक है तुमको कृपा मिल गई, पर सेवा कहाँ होगी, उससे दूसरों से सेवा लेना पड़ रही है। इसीलिए क्या है कि वही जो आप पहले बता रहे थे कि जो संस्था की ज़रूरत है और जो व्यक्ति करना चाहता है, जो अभी व्यक्ति की दृष्टि से क्या है, ये हमेशा ऐसे होता है कि जो मुझे बताए वो करना चाहिए मुझे, सिंपल है। जैसे मैं कंपनी में जो बॉस बताते हैं वो करना ज़रूरी है व्यक्ति को, पर उसके साथ साथ व्यक्ति होता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। और संस्था की दृष्टि क्या है, एक तरह से कि जो ज़रूरतें वो पूरा करना है, पर एक और ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि जो भक्त है वो सुख से सेवा करते रहे और स्थायी रूप से सेवा करते रहे। तो अभी आजकल हमारी संस्था भी इतनी बड़ी हो रही है कि गुरु या वरिष्ठ भक्त है वो हर बार हर एक भक्त को मॉनिटर नहीं कर सकते, तुम क्या कर रहे हो। तो अगर कोई भक्त अपनी प्रेरणा से अच्छी तरह से सेवा कर रहा है तो वो भी अच्छा ही है, भले ही वो डायरेक्टली जो मंदिर की प्रायोरिटी है उसमें योगदान नहीं कर रहा है, पर वो हमेशा कंप्लेन नहीं कर रहा है, हमेशा आलस नहीं कर रहा है, समस्या नहीं कर रहा, सेवा अपनी कर रहा है, तो भी अच्छा ही है। तो फिर क्या है कि ये दोनों को कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। भक्त की हो जाएगी जो मुझे सेवा, भक्त का भाव होना चाहिए कि जो मुझे जो भी बताए मैं करूँगा, पर जो जो अथॉरिटी है उनको देखना है कि जो गुरु है उनके प्रतिनिधि है कि
इस भक्त को कैसे हम सेवा में ला सकते हैं कि वो सुखी से, आनंद से, सुखी से खुद की प्रेरणा से सेवा करते रहे। तो ये धीरे धीरे हो जाता है, ऐसे नहीं है कि एक दिन अचानक पता चल जाएगा मुझे ये मेरा स्वभाव, मैं ये करूँगा। क्या होता है कि अगर हमारे मन को पूछते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है, तो मन वो बोलेगा जो तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मतलब ये सेवा मत करो तुम बस। तो इसीलिए हम ये मन के स्वभाव के नाम पे गैर जिम्मेदार नहीं बनना है हमको। हमें जो भी सेवा दी है वो करनी है, पर साथ साथ ये भी जिम्मेदारी लेनी है कि मैं खुद को समझ सकूं। और धीरे धीरे ये हो जाएगा कि हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जो सेवा है उसमें नियुक्त हो जाएंगे। और अगर स्थायी भाव से हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं तो उसमें भी कृपा है, ऐसे उसमें भी हमको वो स्थायी भाव से अगर स्थिरता से कोई सेवा कर पा रहे हैं तो वह भी एक प्रकार की कृपा ही है। अंत में एक पॉइंट बोलूँगा कि क्या है कि हमें सबको, अगर सिर्फ हम जो अच्छा है हमको अच्छा लगता है वही करते हैं तो फिर क्या होगा, उससे हम बिल्कुल मनमानी करने लग जाएंगे। पर अगर सिर्फ हमको जो बिल्कुल अच्छा ही लगता है वही करते रहेंगे तो हमारा मन हमको पागल बना देगा। तो क्या है, अगर हमको कोई चीज़ अच्छी भी लगती है तो वो करने के लिए भी एक भौतिक जगत ऐसा है कि जो अच्छा नहीं लगता है वो भी करना पड़ता है। अगर अभी मान लीजिए मैं भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, तो अभी पिछले बार मैं लगभग 4 महीने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गया था। 4 महीने 120 दिन होते हैं, तो 120 दिन में लगभग मैं रोज़ अगर एक क्लास मान लीजिए सैटरडे संडे को 2-3 क्लास होते हैं तो लगभग मैं काउंट किया था 130 क्लासेस दिए थे मैंने। तो अभी मान लीजिए हर एक क्लास 1 घंटा 1.5 घंटे का है, तो मतलब वो क्लासेस मतलब 150 घंटे की क्लासेस दिए। तो तभी मैं थोड़ा कैलकुलेट किया कि जो ट्रैवलिंग का सारा अरेंजमेंट करना था, ये टिकट, ये फ्लाइट लेना है कि नहीं, यहाँ पे जाना है, ये गाइड यहाँ पे आया है कि नहीं, तो वो सारा लॉजिस्टिक्स के लिए। अब क्या होता है, जब ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं है, कोई बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कोई और गेस्ट आने वाला है, ये गेस्ट आ गया तो फिर आप यहाँ पे जाओ या पूरा एडजस्ट करो। तो मैंने काउंट किया, वास्तव में उसमें भी मैंने 150 घंटा लगा मुझे। तो 150 घंटा ट्रैवलिंग के लिए नहीं, ट्रैवलिंग का टाइम अलग ही है, ट्रैवलिंग का प्लानिंग करने के लिए, ये फ़ोन करो ये यहाँ पे पहुँच रहे कि नहीं, ये फ़्लाइट लेट हो गया है, ये फ़्लाइट में ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, कहीं जाते प्रसाद भूल जाते हैं, कहीं जाते ये हो जाता है, एक बार मेरा लैपटॉप चोरी हो गया मेरा, तो फिर बाद में लैपटॉप ढूंढ के मिल गया वापस। तो जब ट्रैवलिंग करते तो बहुत कुछ होता है। तो अभी ये मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगता है। अगर मुझे बोलेगा तो मैं बोला आप 150 घंटे एक जगह बैठ के लेक्चर दो, वो दिव्य आनंद की बात है मेरे लिए। पर वो संभव नहीं है। तो फिर क्या है, जो भी हमको अच्छा भी लगता है करने के लिए, तो वो करने के लिए भी जो हमको अच्छा ही लगता है वो करना ही पड़ेगा। और इस तरह से कोई भी पूरा अपने मन के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें जो प्रेरणा मिलती है वो करते समय, जो हमें प्रेरणा नहीं मिलती है वो भी करना ज़रूरी है। तो उसमें उससे थोड़ा सेवा भाव हो जाता है, उससे नम्रता आ जाती है, उससे जब अगर हम मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो अगर अच्छा प्रवचन देते तो लोग फिर सराहना करते, तो उससे कर्ता का भाव जाता है, उससे नियंत्रक का भाव जाता है। पर उसके वो प्रवचन देने के बाद फ्लाइट कैच करना है और जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, बोले 2 घंटा फ्लाइट लेट है, तो क्या होता है, मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, समझ में आ जाता है। तो क्या है, हमको नम्रता आनी चाहिए। और कभी 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 नम्रता आती है जो अथॉरिटी बोलते हैं वो करने से आती है, और कभी कभी हम जो सेवा करना चाहते हैं वो सेवा करने में भी जिम्मेदारी अगर हम लेते हैं तो फिर उससे भी नम्रता आती है। तो क्या है, हम समस्या के मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर मनमानी कब समस्या आ जाती है कि जब मैं ये सेवा अच्छी लगती है मैं करूँगा, पर हम एक दिन के लिए एक हफ्ते के लिए सेवा करते हैं, इसमें बहुत समस्या है, दूसरी सेवा करने लगते हैं, फिर तीसरी सेवा, फिर चौथी सेवा, वैसे करते हैं तो क्या है, फिर मतलब क्या है कि जो मन को अच्छा लगता है वही कर रहे हैं, मन के खिलाफ जैसे जाना पड़ता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो फिर वैसे अच्छा नहीं है। और मान लीजिए हमको कुछ अच्छा लगता है वो करना है, पर वो करने में पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, तो ये मदद नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, हमें उसकी जिम्मेदारी लेकर सेवा करनी चाहिए, फिर उससे भी हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके द्वारा भी हमको सेवा भाव आ जाएगा, उसके द्वारा भी कृपा मिल सकती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद जय, श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय।